अगर आप परेशान हैं कि हम मिर्ची यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म्स आ गए हैं और आपकी तैयारी नहीं है और आप फेल हो जाएंगे, आपको इस चीज़ का डर है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्किप मत कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, आपके लिए ही फायदेमंद है। मैंने मिड टर्म से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल अपने इस चैनल पर अपलोड किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ ही हुआ है। आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स भी उनके देख सकते हैं और मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी भी डाली है कि किस किस को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मैं बिल्कुल करेक्ट और 100% इन्फॉर्मेशन करेक्ट आपको इस चैनल पर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस का फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो फाइनल टर्म के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए, मेरे इस चैनल वी यू इंसेक्ट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारा हेल्पिंग मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है फाइनल टर्म्स की, हम तैयारी कहाँ से करें, हम तो जॉब करते थे, साथ कैसे पढ़ें, तो उनके लिए यही वीडियो है। मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, बल्कि रिकमेंड करूँगा, बल्कि वो कोशिश भी यही करें कि वो फाइनल टर्म्स में MCQs पे ज़्यादा तवज्जो दें, अपने हैंड आउट सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लें। जब वो रीड आउट कर लेंगे तो उसमें से MCQs ही आएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, हर चैप्टर के एंड में समरी या कुछ टिप्स पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, उनको रीड करें। मतलब 60% आपके जो MCQs हैं ना फाइनल टर्म के, वो उस समरी या टिप्स में या ग्लोसरी में से बनते हैं। ठीक है, आप जैसे कि अगर फर्स्ट चैप्टर में देखें कि उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हाईलाइट किए हुए हैं पहले 2-3 पेजों में ही उन्होंने, जैसे कि चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू C++ प्रोग्रामिंग, तो उसके नीचे उन्होंने कुछ डॉटेड पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग में हम आपको ये पढ़ाएंगे, तो उन टॉपिक्स को आप उठा के सिर्फ उनकी ही वही पैराग्राफ जस्ट आप रीड आउट करें, उसी में से MCQs आएगा और समरी और ग्लॉसरी और टिप्स में से MCQs आएंगे आपके। ठीक है, और पास्ट पेपर्स में से आपके 60-70% MCQs आपके पास्ट पेपर्स में से आते हैं। आपने पास्ट पेपर्स को लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपने फाइनल टर्म की तैयारी अभी तक पास्ट पेपर से शुरू नहीं की, तो मैं आपको कहता हूं कि शुरू करें, लाजमी शुरू करें, टाइम बहुत कम है। 14 मार्च से आपके एग्जाम शुरू होने लगे हैं, एक महीना भी आपके पास नहीं है। फिर आप एंड में रो रहे होते हैं कि अभी तक हमने हमारी तैयारी नहीं है। पास्ट पेपर्स भी अगर हम देखें तो उसमें से क्या देखें, 2 दिन है हमारे पास, तो वो बाद में एंड में बहुत इशू बनता है। तो आप एक तो वो ग्लॉसरी टिप्स जो है हैंड आउट्स में से वो देखें, हैंड आउट्स रीड आउट करें, और सेकेंडली हैंड आउट्स पूरे नहीं आपने रीड आउट करें, जो मैंने तरीका बताया उस पर आपने अमल करना है। दूसरा, पास्ट पेपर जितना हो सकता है ना उतने ज़्यादा रीड आउट करें। सब्जेक्टिव अगर आपकी नहीं तैयारी, तो मैं नहीं आपको कहता कि आप सब्जेक्टिव करें, सीधी सी जो बात है। अगर आप MCQs पढ़ के कर लेते हैं तो आप उसमें से सब्जेक्टिव भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि MCQs आप 1000 MCQs मान लें कि अगर आप पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाती है, तो 1000 MCQs में से अगर 30 MCQs 40, मतलब अभी मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ, 80 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 40 मार्क्स के MCQs होंगे और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव जो होगा वो आपका पास्ट पेपर में से काम ही आता है, सीधी सी जो बात है। फाइनल टर्म के जो MCQs हैं वो जो है वो पास्ट पेपर में से ही आपके आते हैं। अगर 40 नंबर के MCQs हैं तो 30 या 35 नंबर के MCQs जो हैं वो आपके पास्ट पेपर में से ही आएंगे। इंशाल्लाह आप पास्ट पेपर रीड आउट कर लें। अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स, मौज़ की फाइल्स और वकार सिद्धू की फाइल्स आप ये लाजमी पढ़ लें, आज से शुरू कर दें। इसमें से पेपर बहुत ज़्यादा था। अल जुनैद इंस्टीट्यूट की खास कर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो फाइल पढ़ें। मौज़ और वकार सिद्धू की फाइल्स इतना नहीं आता जितना कि अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स में से आता है। ठीक है, वो आप रीड आउट कर लें। अब ये फाइल्स कैसे मिली, मैंने अपने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इजीली जो है फाइल्स भेजेंगे अल जुनैद इंस्टीट्यूट्स की और डॉक्टर मतलब मौज की और वकार सिद्धू की। आप मैसेज करेंगे, कोई भी स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड कर देगा, अदरवाइज़ अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की तो अभी से ही शुरू कर दें फाइनल टर्म की। और सब्जेक्टिव क्या ये है कि आप पास्ट पेपर्स में से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रीड आउट कर लें, उसमें से ही बहुत सारा पेपर आपका उसमें से आएगा। ठीक है, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि हमें सब्जेक्टिव नहीं आता, ऑब्जेक्टिव नहीं आता। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको देनी थी इस वीडियो पे। अगर और भी किसी किस्म के सजेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।